व्हाट्स अप गाइज, मैं हूं आपका होस्टर दोस्त गौरव, आपका अपने वीडियो में वेलकम करता हूं। तो गाइज, आज के वीडियो में रिपब्लिक डे स्पेशल बनाया है। तो आज के वीडियो में आप जानने वाले हो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। तो गाइज, पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, रिपब्लिक डे पे होने वाले कुछ बहुत ही फेस्टिवल्स यानी कि जो सेलिब्रेशन होता है हमारे इंडिया का, वो कुछ इस तरह से होता है कि जो भी हमारे देश में अच्छा काम किया रहेगा स्पोर्ट्स में, सिविल्स में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, साइंस, लिटरेचर में, उनको अवार्ड्स मिलते हैं जो कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में रूप में मिलते हैं। तो गाइज, अपने देश में इस साल पद्म विभूषण को 4 अवार्ड मिले और पद्म भूषण में 17 लोगों को अवार्ड मिले और पद्मश्री में 107। तो गाइज, ये वीडियो में हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण को टैकल करने वाले हैं। तो गाइज, जिनको पहला पद्म विभूषण मिला है वो है मिस्टेस MS प्रभा अत्रे, जो कि आर्ट फील्ड से बिलोंग करती है। जैसे कि आप उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो उनका, वो आर्ट फील्ड से, और उनकी स्टेट है महाराष्ट्र और कंट्री तो इंडिया है। तो गाइज, सेकंड पर जो है वो है श्री राधेश्याम खेमका, जिन्हें की लिटरेचर एंड एजुकेशन में अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण का अवार्ड उन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो गाइज, जो थर्ड पर है वो तो बहुत कंट्रोवर्सी में थे, अभी आप सभी उन्हें जानते रहेंगे, जनरल बिपिन रावत जी, जो कि एक सिविल सर्विस में थे और वो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, और उत्तराखंड ऑब्वियसली इंडिया की कंट्री है तो वो इंडिया से बिलोंग करते थे, तो इनके लिए एक सैल्यूट। तो गाइज, जो फोर्थ पर थे वो है श्री कल्याण सिंह, इन्हें पब्लिक अफेयर्स यानी कि पब्लिक अफेयर्स फील्ड में पद्म विभूषण मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। तो गाइस, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम जानने वाले हैं पद्म भूषण के बारे में, जो कि 17 लोगों को मिला है। तो उनमें से जो पहले हैं वो है श्री गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है, और उनकी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले इंडिया के, इन्हें वहाँ से पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। तो गाइस, जो दूसरे हैं वो है श्री विक्टर बनर्जी, इन्हें आर्ट इस फील्ड में, आर्ट यानी कि मूवीज़ ये सब में इन्हें अवार्ड मिला, और ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो इन्हें आर्ट फील्ड में मिला है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट है वो है MS गुरमीत बावा, इन्हें भी आर्ट इस फील्ड में ही अवार्ड मिला है पद्म भूषण का, और ये पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो आप इनके हाथ में भी एक अवार्ड देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अवार्ड जीत रखा है इन्होंने। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो है श्री बुद्धादेव भट्टर जी। तो गाइज, इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट था तो मैंने सबका नाम नीचे लिख रखा है, आप देख सकते हो, इन्हें भी पब्लिक अफेयर्स में मिला है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो है श्री नटराजन चंद्रशेखरना, इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री का बेसिक मतलब होता है कि ये एक अच्छे बिजनेसमैन है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो गाइज, महाराष्ट्र का फर्स्ट अवार्ड था। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो है श्री कृष्णा एला एंड श्रीमती सुचित्रा एला, ये दोनों कपल्स हैं। गाइज, इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि बिजनेस फील्ड में मिला है, और ये तेलंगाना इंडिया से बिलोंग करते हैं। मैं इंडिया इसलिए बता रहा हूँ, आपको नेक्स्ट में मालूम पड़ेगा। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो है MS माधुर जेफरी, ये अदर कुलिनरी यानी कि अलग कुछ तो कर रखा है इन्होंने, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिल रखा है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं करेंट टाइम में, इसलिए मैं बता रहा था। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो है श्री देवेंद्र झांझरिया, इन्हें स्पोर्ट्स में मेडल मिला, ये हमारे पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे। इन्हें श्री देवेंद्र झांझरिया को राजस्थान से बिलोंग करते और पद्म भूषण मिला है स्पोर्ट्स फील्ड में। तो गाइज, जो नेक्स्ट है वो है श्री राशिद खान, इन्हें आर्ट में मिला, ये हमारे क्रिकेट के नहीं बल्कि सिंगिंग के बहुत ही बड़े उस्ताद हैं, और इन्हें पद्म भूषण मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है श्री राजीव महरिषि, इन्हें सिविल सर्विस में मिला है, यानी कि जनरल बिपिन रावत की कैटेगरी में ही ये भी आते हैं, सिविल सर्विस यही फील्ड है इनका, और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते हुए। और गाइस, जो नेक्स्ट है वो है श्री सत्यनारायण नडेला, इन्हें तो सभी लोग जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO करंट टाइम के हैं। इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में मिला है, और मैं कंट्री इसीलिए बता रहा था क्योंकि इनका अभी का ओरिजिनेशन USA है। तो गाइस, जो नेक्स्ट है वो है श्री सुंदर आर्जन पिचाई, हम इन्हें सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं। इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में पद्म भूषण मिला है, जो कि अभी USA में ओरिजिनेटेड हैं ये।
उसके बाद जिन्हें मिला है वो है श्री कायरस पूनावाला। इन्हें भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि बिजनेस फील्ड में मिला है, बट ये गाइस किधर बाहर से नहीं बल्कि हमारे महाराष्ट्र से ही हैं, तो इन्हें महाराष्ट्र से मिला है श्री कायरस पूनावाला को अवार्ड। तो गाइस जो नेक्स्ट है वो है श्री संजया राजा राम। तो इन्हें गाइस साइंस एंड इंजीनियरिंग में पद्मा भूषण मिला है। तो गाइस ये फर्स्ट हैं जिन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग में कोई अवार्ड मिला है, बट इनका अभी का जो ओरिजिनेशन है वो है मैक्सिको। MS प्रतिभा राय, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन में अवार्ड मिला है पद्मा भूषण लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। ये फर्स्ट है, इनके बाद भी तीन वही है। तो गाइस ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं, ओडिशा से इन्हें मिला है पद्मा भूषण। गाइज नेक्स्ट जो है वो है स्वामी सच्चिदानंद। तो स्वामी सच्चिदानंद जी को लिटरेचर एंड एजुकेशन में ही मिला है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। ये भी लिटरेचर एंड एजुकेशन संस्कृत के स्कॉलर माने जाते हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट है वो है श्री वशिष्ठ त्रिपति। इन्हें भी लिटरेचर एंड एजुकेशन में अवार्ड मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये संस्कृत और फिलोसफी के स्कॉलर भी माने जाते हैं। तो गाइस ये थे पद्मा जीते लिस्ट। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। यहाँ तक आए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।